हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बात करना है। बीइंग ए एसबी ओनर इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, क्योंकि बात कर लेंगे जल्दी से, आप बहुत सारा बात करना है जल्दी से। आप इंट्रो देख के आराम से थोड़ा पानी पी के आराम से बैठो, थोड़ा बात करना है। चलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। थोड़ा सा आराम से पानी पी लिया ना, अच्छा सा बैठ गया ना, थोड़ा अच्छा सा बैठ जाओ, थोड़ा देर बात करना है। जो भी एक कंटेंट के वास्ते है, जो भी कंटेंट ही लेके बात जाना है, उन लोग थोड़ा सा स्किप कर लो, थोड़ा सा दूसरा व्लॉगर्स का उन लोग का देख लो। मेरा क्या ऐसा क्या है बोले तो, मेरे ऑडियंस थोड़ा अलग रहते हैं। मेरे एक ही व्लॉग में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लगाने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरे बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहने दो, गाड़ी के रहने दो, पूरा लगा के रहता हूँ। थोड़े जने ना कैसा बोल रहे हैं मगर कि ओनली सेंटर स्टैंड के बारे में ही बात कर रहा है बोले तो। लास्ट टाइम प्रीवियस व्लॉग में मैं पहला उसको पूछा था, आप कौन सा, थोड़ा अच्छा प्रिपेयर हो गया, अच्छा इसको कोटिंग देना बोल के, थोड़ा कौन सा गाड़ी आप यूज़ करते बोले तो अनसब्सक्राइब कर दिया, भाग गया उन्होंने। वो काम बैक गया कि नहीं बोलूँ, विच बाइक डू यू यूज़ बोल के मैं कमेंट डाला, चले गया उन्होंने। तो उसके बाद मेरे अपने जो सब्सक्राइबर है ना, बहुत तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग है बॉस, अपने सब्सक्राइबर्स अच्छा लेफ्ट एंड राइट दे दिए उन लोगों को। और कैसा बोले तो हमारे मम्मी भी उसके अंदर थोड़ा लेफ्ट एंड राइट दे दिए। तो समझ कर जो मेरे पास फन रहता, एंटरटेनमेंट रहता, इन्फॉर्मेशन रहता, पूरे फुली लोडेड रहते हैं। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा पानी पी के बैठो, नहीं तो अच्छा नहीं दिखा तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट हो गया, मेन कंटेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, आज कल कैसा बोले तो एक अच्छा कमेंट, जो भी कमेंट है, बुरा कमेंट है, अच्छा कमेंट है, उसको मैं शॉर्ट आउट देने वाला हूँ। अभी जो दिया था बुरा कमेंट था, अभी एक अच्छा सा कमेंट जो भी है। प्रीवियस व्लॉग मेरा पता है मेरे को XUV 300 का सीट का मॉडिफिकेशन का बिल्कुल नहीं जाएगा बोल के, 200 मेरे को पता है कि नहीं जाता बोल के। जो भी है कंटेंट लगाना है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे 9:30 को आपके पास वीडियो आ जाना है। जो स्ट्रीक है वो मेंटेन करना है बोल के मेरे को बहुत। 12 o'clock वहाँ पे शॉप करने गया तो midnight 12:31 हुआ मेरे को घर को आने तक, जब भी कंप्लीट नहीं हुआ काम। तो कितना हुआ, 13 hours, 12 to 13 hours कैलकुलेट कर लेके, नेक्स्ट डे एग्जैक्टली 6 hours हुआ। तो 19 प्लस 2 आवर्स फॉर एडिटिंग डाल दे तो भी 21 आवर्स का कंटेंट है वो, 21 आवर्स का मुश्किल है, 21 आवर्स का वर्क है वो। तो जो भी है डालना बोल के डाला, तो नहीं जाता बोल के मेरे को पता है, मगर कि जो भी मैं कैसा बोलता हूँ अपने व्लॉग्स में, अपने चैनल में, जो भी अच्छा सा करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा इफेक्ट डाल के, अच्छा म्यूजिक डाल के ट्राई करता हूँ ना, वो बिल्कुल नहीं जाते वो। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ ईस्ट का राइड हो, ऐसा एपिडेमिक साउंड लिया था, फोटोशॉप का एडिटिंग टूल्स लिया था, बहुत सारे लिया था, एडोब प्रीमियर प्रो लिया था, तो वो पूरा कट कर दे के ये क्या है गाड़ी के बारे में होना। तो वही कंटेंट डाल रहा हूँ, ज़्यादा म्यूजिक्स भी नहीं है, थोड़ा देख संभाल के अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो द बेस्ट कॉमेंट वो XUV 300 के पहला वाला ब्लॉग, जो भी मैं नाम चेंज करना बोल के देखा था SD निखिल से, वो नाम है SD, वो निकाल के भैरव का नाम लगाएंगे। भैरव जो है मेरा गाड़ी का नाम है, तो इसका नाम ही लगाएंगे बोल के मैं सोचा था, मतलब SD निकाल के भैरव, कंपनी निकाल के गाड़ी का नाम ही लगाना सोचा था मैं। बहुत जने बोल रहे थे कि भैरव निखिल अच्छा है, निखिल भैरव अच्छा है, एंड SD निखिल ही अच्छा है, SD निखिल, बहुत सारे 60% बोले थे कि SD निखिल ही लगाओ बोल के। तो उसमें से द बेस्ट कमेंट, बेस्ट बोले तो राहुल रंजन बोल के एक भाई है, ब्रो डोंट चेंज योर चैनल नेम अनलेस यू आर चेंजिंग योर बाइक, SD हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बिल्डिंग कम्युनिटी इफ दे वॉन्ट टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन द मार्केट अगेंस्ट रॉयल एनफील्ड एंड अदर कॉम्पिटिशन, दिस चैनल नेम विल हेल्प यू ग्रो विद दिस होल वेव दैट्स अबाउट टू कम, डोंट चेंज इट प्लीज बोल के बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत हार्टफुल लगा, एंड कंसिडर करेंगे, थोड़ा सा अभी थिंकिंग में हूँ चेंज करना है या नहीं करना बोल के। इससे पहले तो भैरव निखिल, निखिल भैरव कुछ था कुछ लगेंगे बोल के, अभी कैसा बोल रहा हूँ चेंज करेंगे या नहीं करेंगे बोल के अभी है। एंड बहुत सारे बॉस, बहुत सारे
बहुत सारे कमेंट्स बहुत अच्छे से आए, और एक भाई ने यूजर नेम कुछ है वो उन्होंने चेंज नहीं करे, शायद निखिल भैरवा बोल के लगे, भैरवा नहीं है बॉस, इसका नाम भैरव है, ओनली भैरव। एंड द बेस्ट कमेंट बोलना बोले तो @JJ-JX8XV वो उनका थोड़ा सा आप थोड़ा नाम लगाए तो नेक्स्ट व्लॉग में आपका नाम लूँगा। भैरव एंड निखिल्स राइड क्रॉनिकल, भैरव एंड निखिल्स एडवेंचर ट्रेल्स, भैरव निखिल ऑन टू व्हील्स, भैरव निखिल बाइकिंग सेशंस, राइड विद भैरव एंड निखिल, भैरव एंड निखिल्स, ऐसा 10 नाम लगाए। इसमें से मेरे को पसंद आया सो नाम बोले तो भैरव निखिल ऑन टू व्हील्स बोल के थोड़ा सा अच्छा लगा। आ जाते हैं, बींग एन ST एडवेंचर ओनर इट्स नॉट ए सिंपल टास्क, क्योंकि ST एडवेंचर जो गाड़ी खरीदते हैं, ST एडवेंचर जो भी ओनर्स हैं, उन लोगों को बहुत पेशेंस रहना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ। लाइक ST एडवेंचर अल्फा 2 इंजन रिलीज हुआ सो है जुलाई 12, तो वो टाइम पे रिलीज हुआ था। तो जब से सेंटर स्टैंड आना शुरू हो गया, सेंटर स्टैंड कैसा है बोले तो सेंटर स्टैंड एक्सेसरी लगा के उन लोग प्रोडक्शन बहुत कम लगाए, जो भी कहाँ से भी हैदराबाद में लिटरली 6 शोरूम्स है, बंजारा हिल्स में, गचीबोली में, आतापुर में, मलकपेट में, और उप्पल में, और कुकटपली में 6 शोरूम्स है, कहाँ पे भी अपडेट नहीं। लिटरली 1.5 मंथ से मैं ट्राई कर रहा हूँ सेंटर स्टैंड के लिए, बिल्कुल अपडेट नहीं है, कहाँ पे भी रहने दो। बहुत जनों को मिला भी नहीं, कैसा बोले तो उन लोगों के पीछे भाग के एक लिटरली एक बुश के वास्ते, बॉस व्हील के अंदर एक बुश के वास्ते 2 महीने हो गए। अभी भैरव को सेंटर स्टैंड डाल के यहाँ पे खड़ा करना बोल के मैं सोचा था, इसको सर्विस भी ड्यू है। मैं क्या सोचा कि सेंटर स्टैंड आ गया तो गाड़ी को लेके सेंटर स्टैंड डाल के सर्विस करा के ये प्लेस में लगाएंगे बोल के, वहाँ पे क्या बोलते थोड़ा पानी गिर रहा है, थोड़ा पानी प्रॉब्लम होता है ना, थोड़ा रस्टिंग का बहुत ज़्यादा है ना SD में, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे, अच्छा से लगाएंगे, वहाँ पे तो कवर सुखा दिया, ऐसा सोचा था। लिटरली हैदराबाद में बिल्कुल कोई भी शोरूम रहने दो, फ़ोन नहीं उठाते उन लोग। लिटरली आपको लाइव कॉल बताता हूँ। अभी बंजारा हिल्स शोरूम में जो मैनेजर है उन लोग मेरे को बहुत अच्छा तरीके से पहचानते हैं, बहुत अच्छा तरीके से बात करते हैं हम लोग, मगर कि हर 2 दिन को 3 दिन को हर हफ्ते को मैं पीछे नहीं पूछ सकता हूँ ना उन लोगों को भी फ़ोन करके, सर्विस जो है उन लोगों को पूछना पड़ेगा, नया आया, यही बात है। सेंटर स्टैंड के बारे में बात करना बोलते कभी भी नहीं आया, अभी तो कॉल ही नहीं लग रहा, नेक्स्ट शोरूम लगेंगे, मलकपेट शोरूम लगेंगे। ब्राइट ऑटोमोटिव से कुकटपली का शोरूम है। हेलो, ఇది సర్వీస్ ప్లేస్ ఏనండి? చెక్ నెంబర్ లాస్ట్ 6 కాల్ చేస్తా, సర్వీస్ నెంబర్ బంజారల్ షోరూమ్ వాలే, మతలబ్ సర్వీస్ వాలే ఉల్లో కాల్ కర్. ఏ క్యా కి వీడియో లగాయే తో కాల్ బ్యాక్ కరా. అగర్ సే నెక్స్ట్ టైం కాల్ కర్నా బోల్తే వీడియో ఆన్ కర్కే కాల్ కర్నా పడేగా. హలో సర్, మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఏమన్న అప్డేట్ వచ్చిందా అండి? ఎస్డి అడ్వెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఇంకా అప్డేట్ ఏం రాలేదండి. ఇంకా ఎప్పుడు వస్తుంది ఐడియా ఉందా? కన్ఫర్మేషన్ కర్కే బోల్తాం, కభీ భీ నహీ ఆతా హై మలక్పేట్ షోరూమ్ కో ఫోన్ కరో. ఆజ్ క్యా హై, మండే హై నా, తోడా అచ్చా ఫ్రెష్ డే హై నా, తోడా అచ్చా రెస్పాండ్ హోతే షా. హలో, మళ్ళీ నమస్తే అండి, ఇది సెంటర్ స్టాండ్ ఏమైందండి అప్డేట్ ఇస్తా ఉన్నారు? యా ఉంటాను ఉంటానండి.
तो अभी जो है मलक पेट शोरूम में लाइक लिटरली जुलाई से स्टार्ट कर रहा था मैं, जुलाई से बात करते बात करते बात करते मैसेजों पे रहो कॉल्स पे रहो पीछे था। लास्ट वीक बोले थे कि एक दो दिन में आपको ऑर्डर लगा है, इसमें एक दो दिन में आपको पहुंच जाएगा बोल के, अभी तक पहुंचा नहीं, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ से भी नहीं बॉस, लिटरली बहुत कम स्टॉक है। शायद क्या है कि लोग थोड़ा सीरियस लीजिए, जो भी है आफ्टर सेल्स जो सर्विस रहता है ना बहुत थोड़ा सीरियस लीजिए। गाड़ी आया, गाड़ी दनादन भेज दिए, यूट्यूबर्स को दे दिए, पैसे दे दिए, डब्बा मार दिए, बाजा मार दिए गाड़ी के ऊपर, चले गया बाहर, चले गया नहीं गया, फिर आता तुम्हारे सर्विस को ही चाहता गाड़ी, वो आफ्टर सर्विस तो रहना है ना थोड़ा सो। अगर से यहाँ पे भी नहीं तो मैं मुंबई से भी तो ही मंगाने को कोशिश करा, तो बंद से योगेश भी बोला था कि वहाँ पे भी स्टॉक नहीं। हेलो సార్ చెప్పండి అది సార్ పార్ట్ వచ్చింది కానీ ఆ వెహికల్ కి తగ్గట్టు లేదు సార్ అది మెయిన్ స్టాండ్ మేము కూడా ఫస్ట్ టైం మీ వెహికల్ కోసం ఆర్డర్ పెట్టాం అంటే అంటే సైజ్ చిన్నగా ఉంది అది లేదు అందరూ పెడుతున్నారు కదా అవునవును సార్ బట్ ఏంటంటే ఈ నేను పెట్టిన ఆర్డర్ దీనికి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కొంచెం పెద్ద వస్తుంది స్టాండ్ అని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బట్ ఏంటంటే అంత పెద్దగా ఏం లేదు షార్టే ఉంది అది షార్టే ఉంటుంది సార్ బండి స్టాండ్ మీద ఆగదు చాలా షార్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి ఒకసారి వేరే డీలర్లో ఒకసారి కనుక్కుంటా నేను నాకు నేను నిన్న మూడ లేకుండా నేను లీవ్లో ఉండే నేను మీకు ఫోన్ చేసాను ఇప్పుడు వచ్చి చెక్ చేస్తున్నాను అది నేను ఫొటోస్ పెట్టమంటే ఫొటోస్ కూడా పెడతా ఎలా ఉందో సార్ ఒకసారి మీరు వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి వాట్సాప్ చూడండి ఇలాగే ఉందా సార్ ఎంత పెద్దగా లేదు చిన్నగా చాలా చిన్నగా ఉంది అయితే లేదు సార్ లేదు సార్ అట్లా లేదు అయితే మీకు వచ్చిందే డిఫెక్ట్ ఇది ఎస్డి అడ్వెంచర్ కే కదా బాస్ ఇది ముంబై వాళ్ళది ఒకసారి అప్పర్ మార్కెట్ మెయిన్ స్టాండ్ చూడండి ఎందుకంటే మా గ్రూప్ మెంబర్స్ చాలా మంది వేయించుకున్నారు అది స్టార్ట్ చేసింది నేను బాస్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది అర్థమైందా కొంచెం తెప్పియండి తెప్పించి అప్డేట్ అయ్యింది ఫ్రెండ్లీ సజెషన్ కైసా బోలతో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ దాని లీజే తోడా అచ్చరేగా మరి గ్రూప్ మే బోత్ జనే లాగే కైకు బాస్ హోతాయతో మంగవనైతో నక్కు తో ఐసరేగా సెంటర్స్టాండ్కే सेंटर स्टैंड के बारे में नहीं, जो भी है जो भी पार्ट मिस होता है बिल्कुल कितना बोले तो लैग करके लैग करके लैग करके एक कस्टमर को कैसा बोल तो इरिटेशन आके अरे चल बोल के एसडी जाओ आपको अम्मा बहन की गालियाँ देके चले जाना गाड़ी छोड़ के चले जाना ऐसा करते। गाड़ी को एक बुश मंगाया था बॉस लिटरली दो महीने हो गए काम पे भी नहीं एक पार्ट्स अगर से 2024 जो भी है पिछले वाले ब्लॉग गाड़ी मैं बोला था गाड़ी बहुत लाइट है लाइट है लाइट है बोल के बहुत एक्सलेंट है बहुत रिफाइंड है बहुत हीटिंग इश्यूज जो भी है कम हुआ कुछ बहुत शॉर्टर डिस्टेंस था मैं ट्रैवल कर रहा सो तो अच्छा था मगर कि पार्ट्स के वास्ते यू कांट डिपेंड ऑन एसडी बस एसडी सर्विस वालों के पास पार्ट्स के वास्ते डिपेंड होना ही नहीं एंड उसके बाद अगर से आप एस डी पे लद्दाख गिदा कान तो भी बाहर गए बोले तो वहाँ पे लैक ऑफ ये सर्विस सेंटर्स है स्कैसिटी है पार्ट्स में एक 10 दिन 15 दिन लगा एक छोटा सा पार्ट गया बोले तो पीछे सा व्हील के पास एक बुश रहता वो पार्ट गया बोले तो क्या होता चेन के पास एक रबर रहता वो पार्ट गया तो क्या होता अगर से दूसरे गाड़ी से निकाल के डालते हैं क्या नहीं डालते
पूरा बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर से प्राइमरी व्हीकल के लिए एसडी एडवेंचर आप खरीद रहे बोले तो डोंट गो फॉर इट, बिल्कुल डोंट गो फॉर इट, क्योंकि आपके पास सेकेंडरी व्हीकल है और एक व्हीकल है ये जब कब ऐसा संडे राइड्स के वास्ते, एक लॉन्ग राइड्स के वास्ते ऐसा स्टेट ऑफ स्टेट जाना बोल तो जब काम नहीं आएगा। जब भी कैसा बोला सर्विस एकदम तगड़ा वाला सर्विस करा के जब जा सकते, उसके बिना नहीं जा सकते। अगर सिर्फ धन बोल के कुछ तो भी हो गया बोले तो एक बाजू में एक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में शोरूम है, शोरूम है तो क्या करते, पार्ट नहीं है तो क्या करते, गाड़ी लेके सिर पे लगा के लेके आते क्या ट्रेन में, नहीं होता ना। तो कितने की बार ऐसा हुआ था मगर कि वो लोग कब सुधरते कि नहीं मालूम, बहुत बहुत चेंजेस करे, बहुत सुधरा है मगर कि सर्विस के ऊपर बिल्कुल अनसेटिस्फाइड है, सब लोग सेटिस्फाइड है। पार्ट के वास्ते इतना 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 खराब कर रहे हो, सीरियसली इतना खराब कर रहे। एंड सजेशन भी आ रहा है एसडी एडवेंचर सेटर स्टैंड जो भी है आफ्टर मार्केट जो अपन लिए तो मैड ओवर बाइक्स का वो डाल लो बोल के, तो आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो एसडी लेना चाह रहे या नहीं लेना चाह रहे दूसरा कुछ तो भी देख, एक क्या है बोले तो स्ट्रांगनेस है बॉस इन बाइक बोले तो एक नंबर तगड़ा वाला, जो भी है मेरे को पे नहीं करते, मैं पे करा तो भी मैं लेने वाला नहीं हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे को खरीदने का अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी है सच्चाई है मैं वीडियो के सामने बोल देता हूँ, तो ये माइंड में लगा लीजिए। जो भी है गाड़ी लेना बोले तो एक नंबर पावरफुल है, एक नंबर स्ट्रांगनेस है, लैक ऑफ पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, स्कैसिटी है। एंड सर्विस के बारे में काउंटर सेल जो है बंजर हिल शोरूम वाले काउंटर सेल भी कर रहे हैं, अगर से पार्ट्स आपको होना बोलते आप पार्ट्स खरीद के बाहर भी करा सकते हैं, ओनली इन बंजर हिल शोरूम आई गेस, बाहर भी आप के नज़दीक शोरूम्स में करें तो आप आराम से करा लीजिए, काउंटर सेल्स लीजिए, अच्छा बेस्ट टेक्नीशियन अच्छा मैकेनिक के पास लेके जाइए करा लीजिए। एंड पार्ट्स थोड़ा क्या है कि अगर से कमेंट सेक्शन में अपना सब्सक्राइबर्स फोन तो भी सेंटर स्टैंड मिला तो कहाँ से तो भी आई एम रेडी टू पे फॉर इट, थोड़ा सा मेरे को भिजा दीजिए, अपन भी डाल के थोड़ा देखेंगे। क्यों बोले तो मेरे को गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा दिन करता है, आराम करता है, एक बार लिटरली बोलना बोले तो एक साल में लिटरली 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर से चला है लास्ट अगस्त से अगस्त तक। क्यों बोले तो गाड़ी निकाला नहीं, एक बार निकाला तो हज़ार किलोमीटर चले जाता है, नहीं निकाला तो ऐसा रेस्ट होते रहता है। तो ये रहा बीइंग एन एडवेंचर ओनर, इट्स नॉट इट ईजिएस्ट पार्ट, सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू हाउ यू टेक इट, यू वॉन्ट टेक और यू वॉन्ट गो फॉर अनदर ब्रांड, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू। तो ये वाला लोग बस यहाँ तक ही लगा देते हैं, अगर से किसके पास तो भी सेंटर स्टैंड मिला तो थोड़ा सा मेरे को इन्फॉर्मेशन करा दीजिए। इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है एस डी निखिल और निखिल सिंह बुक के नाम से। तो ये ब्लॉग बस यहाँ तक ही लगा देते हैं, आपके दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करें, एंड थोड़ा सा बूस्टअप करेंगे थोड़ा चैनल, थोड़ा बूस्टअप करेंगे, थोड़ा अच्छा लोगों के पास लेके जाएंगे, अच्छा सा कमेंट कंटेंट दे रहे हैं ना। तो जो भी एसडी एडवेंचर खरीद रहे हैं उन लोगों को पिछले वाला ब्लॉग भी सेंड करिए, ये वाला ब्लॉग भी सेंड करिए। पार्ट्स के आफ्टर सेल्स कैसा रहता है कि मुझे मालूम है, पुराने जो ओजी राइडर्स हैं ना उन लोगों को भी मालूम है कैसा रहता है, कैसा मुश्किल होता है कि। तो ये ब्लॉग बस यहाँ तक ही लगा देते हैं, इसी के साथ मैं निखिल साहब आप सबसे विदा लेता हूँ अपने अगले ब्लॉग पर, तब तक बी एलर्ट बी सेफ राइड सेफ, जय हिंद, टेक केयर।